अगर आज वो लड़की देख रही होगी तो आप उसको क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तनाई में खाओगे सब कुछ। दिल मेरा सोबा टूट गया, प्यार एक बार हुआ दिल सोबा टूट गया। लफड़े में बचपन से करता था, स्कूल लाइफ में घूमने जाता था, पेपर पे गाने में लिखता था, पढ़ने से दिल में मुझे दुनिया पे भरोसा नहीं करता। मेरे को दुनिया नशेड़ी बोले, मेरे को दुनिया क्या बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है मुझे। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेवन वैल्यूज और मैं एजाज अहमद। आज के हमारे मेहमान अमान सलीम है। अमान सलीम एक रैपर है। अमान सलीम आपका खुशामदीद है हेवन मिल न्यूज में। थैंक यू सो मच, अगला शुक्रिया। अमान सिर्फ सवाल में आते, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं, नाम वगैरह। मैं लाल बाजार में रहता हूँ, लाल बाजार एरिया में रहता हूँ मैं। तो मेरा नाम अमान है, अमान सलीम कुल्लू। अमान आप एक रैपर है। एग्जैक्टली। कब से आपने शुरुआत की, कब आपके जहन में आया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, म्यूजिक प्लेटफॉर्म की बात करो, म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कब आपके जहन में आया और आपने कब से शुरुआत की? मेरे दिमाग में तब से रैप आ गया, आई डोंट नो रैप क्यों मैंने किया। तो मैं 2012-2013 से मैं रैप करता हूँ। रैप तो मैं 2012-2013 से मैं स्टार्ट किया। हाँ, तो रैप के लिए मैंने रैप क्यों स्टार्ट किया, तो मैं लास्ट टाइम भी बोल दिया था कि मैं बोहिमे का सॉन्ग सुनता हूँ, बोहिमे पाजी का बहुत बड़ा फैन, रेस्पेक्ट बोहिमे पाजी। तो बोहिमे का सॉन्ग मैंने सुना था, संदेश आया वथनू का गाँव, संदेश है मेरे नाम। तो वो सब मैंने सुना तो मेरे को भी शौक हो गया लाइफ में कि मैं भी रैपर करूँ, मैं भी रैप स्टार्ट करूँ, मैं भी फ्री स्टाइल बनूँ। तो मेरा दोस्त एक है, तो हम गाड़ी में चल रहे थे, सफर कर रहे थे, किसी जगह जा रहे थे, तो हमने संदेश का सॉन्ग लगा दिया गाड़ी में। तो हम जब शाम को गए, तो हमने कल को हम जब और निकले वापस, तो हमने रैप स्टार्ट किया 2012-2013 से स्टार्ट कर रहा हूँ रैप। तो गाने भी मैंने बहुत सारे डाले नहीं है, उतने गाने थोड़ा लाइफ में इशू आ गया था, तो वो बातें भी हम कर देंगे। अमान साहब, आज तक आपने कितने रैप लिखे हैं? रैप मैंने 53 लिखे हैं, 53 हाँ खुद के लिखे हैं। लास्ट 2 महीने में मैंने 53 गाने लिखे। अब मेरा नया सॉन्ग भी आ रहा है गॉड्स चाइल्ड, उसकी काम चल रही है। उससे पहले मैंने 2-3 गाने गाए और एल्बम मैंने डाल दिया, सन्ना मैंने कतले आम रखा है, एल्बम मैंने डाल दिया। लगभग आपको 10-15 साल इसमें हो गया। ऑलमोस्ट अमान साहब, आप हमारी व्यूअर्स को आज क्या सुनाना चाहेंगे अपनी आवाज में? क्या सुनना चाहते हो? जो आपने कह रहे हो, आपने 53 लिखे, 2 महीने में 53 रैप्स आपने लिखे, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? आप सुनाइए जो आपको पसंद आए, आप वो सुनाइए। जो आपका रिसेंटली आ रहा है रैप, तो अगर आप वही सुना दे वो भी अच्छा रहेगा। उसका मैं बस क्या ही सुना दीजिए। जो मेरा नया गाना आ रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, खुद से पूछता रहता हूँ कि मैं कौन हूँ। लफड़े में बचपन से करता था, स्कूल लाइफ में घूमने जाता था, पेपर पे गाने में लिखता था, पढ़ने से दिल नहीं मुझे नहीं लगता था, रात भर गाने में लिखता था, दिन भर में सोता, बस नहीं बाकी मैं स्टूडियो पे मतलब गाना आ रहा है मेरा। तो आपकी कोई यूट्यूब चैनल या फिर जो प्लेटफॉर्म पे आप ये अपलोड करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स आपको फॉलो करेंगे, आपको देखना चाहेंगे, तो आपकी कोई चैनल? मेरी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम में मेरा, इंस्टाग्राम मेरा अमान सलीम नाम है। तो स्टेज नेम इज सेंट सागा, सेंट सागा म्यूजिक। तो यूट्यूब भी मेरा नाम वही स्टेज नेम सेंट सागा म्यूजिक। अगर व्यूअर्स आपको सुनना चाहे तो आप अपनी चैनल का एक बार नाम बता दीजिए। मेरी चैनल का नाम है सेंट सागा म्यूजिक यूट्यूब पे, फेसबुक में नहीं चलाता क्योंकि पुरानी वाली आदमी। अमान साहब, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं या मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे ज्यादातर ये है कि लोग जाते हैं स्टडीज क्यों, जैसे मैं बात करूं इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, इसमें जाते हैं, तो आप म्यूजिक फील्ड में गए और इसको वो ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती म्यूजिक फील्ड में, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? हर किसी का अपना पैशन होता है। बिल्कुल। किसी को डॉक्टर बनने का शौक होगा, किसी को इंजीनियर बनने का शौक होगा। तो मुझे बचपन से रैपर बनने का शौक था। तो आपने जैसे बोला कि लोग जाते बाहर पढ़ने, तो मैं पढ़ने नहीं जाता,
मैं म्यूजिक के लिए जाता हूँ बाहर, मुंबई में होता हूँ, मैं बांद्रा में होता हूँ, मेरा दोस्त लोग है, मेरे बहुत सारे रैपर दोस्त है वहाँ। कश्मीर में अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में म्यूजिक के साथ कोई वास्ता नहीं है। म्यूजिक जो करे उसको बोल दीजिए भाई गलत है, मजहब में, मजहब मजहब में नहीं है, उसमें नहीं है ये सब। हाँ एग्जैक्टली यार, मजहब में नहीं है, खुदा बोलते हैं कि म्यूजिक इज रॉन्ग, वो सच है, बट आई डोंट नो ये सब क्यों बोलते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बोल दिया कि म्यूजिक इज हराम, म्यूजिक खराब है, ये तो सच है, बट मुझे शौक है, बचपन से शौक था तो मैं रैपर बन गया। मेरे माँ बाप को भी शौक था कि मैं पढ़ा लिखा बनूँ, वहाँ पढ़ता मैं हूँ, बट दिल नहीं लगता है मेरी पढ़ाई के साथ, क्योंकि मैं जो मेरा गाना आ रहा है मैंने उसमें सीधे बोल दिया। नबड़े में बचपन से करता था, स्कूल लाइफ में घूमने जाता था, पेपर पे गाने में लिखता था, ये तो सच है, पेपर पे मैंने गाना लिखा है भाई। तो मेरा एक सीन है जिंदगी में, मैं बचपन से लफड़े करता था, मतलब वो शातिर दिमाग का था, किसी को बात नहीं सुनता था। तो मसला ये हो गया, मेरे बाप ने एक स्कूल में डाला, साइंस स्कूल मानसगढ़ में डाला मेरे को, तो एक साल पढ़ाई करनी थी उसके लिए, तो फिर इंटरनल देना था एग्जैक्टली। तो मैं जब अंदर गया, मैंने जब स्कूल देखा, साइंस स्कूल मानसगढ़, मैंने दिखा वहां पे बहुत सारा, मतलब दीवार बड़े बड़े स्ट्रगनेस बहुत, मतलब मैंने सोचा भाई क्या मैं किस किधर में रहूंगा, भाई जेल में बैठने बंद है। तो मैं जब इंटरनेट देने गया तो मैंने सीधे पेपर पे बोगी में का गाना लिखा, सीधे मैंने पेपर पे बोगी में का गाना लिखा। तो जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे को भाव बोल रहा है भाई ये क्या गाना लिखा है, क्या किया तुमने, क्या किया। तो बोलने का ये मकसद था क्योंकि रैप, मेरे को रैप के साथ इंटरेस्ट बहुत है, मैं रात को भी बैठता हूँ अपने कमरे में लिखता हूँ, लोगों पे यकीन नहीं करता, लोगों पे मैं यकीन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। लोगों को अगर मैं लोगों पे यकीन करूँ, क्योंकि मैंने किताबों से ज्यादा चेहरे पढ़े, किताबों से ज्यादा मैंने चेहरे पढ़े, ऐसा ही सीन है भाई। आमान साहब क्या फैमिली आपको सपोर्ट करती है इसके लिए? फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, मेरे बाप है, मेरी माँ है, मेरी दो बहनें हैं, रिश्तेदारों की बात अगर करे कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो भी अपने घर में, मैं भी अपने घर में, कौन अमीर कौन गरीब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आमान साहब जैसे कि आप रैप करते हैं, हाँ तो आज क्योंकि जिम्मे यूथ की बात, यूथ ड्रग्स की ओर जा रहा है, आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ड्रग्स, देखो मैं खुद एक रैपर हूँ, रैप का अगर देखते ऑलमोस्ट मैंने रैपर जो मैंने देखे है, चाहे लोगों की तरफ से सुना है चाहे मैंने किसी और की तरफ से सुना है, तो रैपर उसको बोलते भाई ये ड्रग करते, नशेड़ी होगा, रैप करते है, पॉप करता है। क्योंकि एक सीन रहा है मेरे साथ, मेरा एक सीन रहा है लाइफ में, मुझे नहीं लगता मैं भूलू, सही रहेगा कि गलत रहेगा, बट इतना बोलूंगा। तो मैं जब वहां पे गया तो उन लोगों ने मेरे को बोला तुम क्या करते हो, मैंने बोला मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं ज्यादा पढ़ाई के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, मैं ज्यादा रैप करता हूँ। किसके फैन हूँ? एमसी स्टैन, मतलब फैन नहीं हूँ एमसी स्टैन का, मैं भूल में पाजी का फैन हूँ, एमसी स्टैन की मेरी इंस्पिरेशन है। क्योंकि क्यों मैं उसका इंस्पिरेशन क्यों है मुझे एमसी स्टैन की, वो मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानते क्यों है। तो आपने बोला कि ड्रग्स, ड्रग्स आम हो गया, आई नो सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स करते हैं, लड़कियां भी ड्रग करती है, मैंने खुद देखा है, मैं राजबाग साइड से चल रहा था, मैंने खुद लड़कियों को देखा ड्रग करते हुए, मेरे को मतलब बहुत सारी डीएम्स आ रहे हैं। हाँ सच है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा मेरा स्क्रीन पे इंटरव्यू चल रहा है, अब मैं खुद की लेवल बढ़ाऊंगा, मैं सच बोलूंगा भाई। तो मैं राजबाग साइड चल रहा था, एक लड़की देखी मैंने, वो साइड में बैठी थी, तो वो कुछ फूक रही थी, क्या कर रही थी आई डोंट नो, मेरे को भी डीएम जा रहे भाई तू नशे करता है, तू वो करता है, बट शुक्र ऊपर वाले का मैं दुनिया पे भरोसा नहीं करता, मेरे को दुनिया नशेड़ी बोले, मेरे को दुनिया क्या बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस मेरे माँ बाप जितना भरोसा ना मुझे माँ बाप है, और उनको भी मुझ पर भरोसा है, मुझे वो कहते हैं दुनिया क्या बोले क्या बोले। हाँ जो ड्रग्स करते हैं उनको मैं बोलता हूँ ये समझ करो, कोई अगर तुम्हें टैलेंट है, सिंगर हो, शायरी हो, पोइट्री हो, कोई भी हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, व्हाटएवर कुछ भी शो करो यार, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ जाएगा। अमान साहब आज तक आपने कितने शो किए? मैंने आज तक शो मैंने किए हैं 5-6-7-7-8 शो मैंने किए हैं। ठीक है, अमान साहब आपका रोल मॉडल तो कोई होगा?
आपका रोल मॉडल कौन? रोल मॉडल मेरा वैसे कोई नहीं है। किसी को फॉलो तो करते होंगे ना? हाँ हाँ फॉलो तो मैं करता हूँ। भुइया, एमसी स्टैन, विज खलीफा, जॉन एलिया का तो भाई क्या बोल सकते हैं। जॉन एलिया की बात करूं, कोई शायरी जॉन एलिया की, जो आप शायरी भी लिखते हैं तो कोई शायरी सुना दीजिए जॉन एलिया की कोई सुना दीजिए। जॉन एलिया कहते हैं, हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मत दे, तुम्हें मेरे कमरे के सजाने की तमन्ना थी, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर आखिरकार मैं बात करूं, आप आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की यूथ, जम्मू कश्मीर की आवाम आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि टैलेंट बहुत है, जिसका गाने सुनता हूँ ना, एक दो आर्टिस्ट है, एमर म्यूजिक, रेस्पेक्ट भाई, एमर को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मतलब हद से भी ज्यादा, क्योंकि मैंने कभी नहीं, मतलब जब मैं एमर के शो पर गया ना, मेरे को अलग ही भाई भाई, मैंने सोचा था भाई क्या भाई है, क्या क्या बंदा है। तो एमसी कैश के गाने सुनता हूँ और एमर सुनता था, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट का, मतलब घुमंड, बहुत सारा घुमंड है, जिसकी लाइफ में घुमंड होगा ना वो आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आखिर मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या मैसेज रहेगी आपसे? कश्मीर में इसलिए टैलेंट हर किसी के पास है, मेरे पास भी टैलेंट है, आपके पास भी टैलेंट है, हर किसी के पास टैलेंट है भाई। देखो कश्मीर में म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है जो होना चाहिए, जो मैं क्यों, मेरे को क्यों, मैं चाहता हूँ कि मेरी कश्मीर में म्यूजिक प्रोड्यूसर आए भाई, जो जिस वजह से मैं बाहर जाता हूँ, मुंबई में जाता हूँ, वहां पे पैसे देता हूँ, उनको काम करता हूँ, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर मैं कश्मीर में क्यों नहीं करूँ, मुझे कश्मीर में क्यों नहीं रहना पड़े, मैं क्यों जा रहा हूँ बाहर। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर में जिनके पास टैलेंट है उनको संभालो, उनको पकड़ो, उनका टैलेंट देखो क्या है क्या नहीं है, म्यूजिक प्रोड्यूसर लाओ, स्टूडियो लाओ, वीडियोग्राफी लाओ, लोग बहुत सारा पेंडिंग है कश्मीर में। हाँ है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बट मैंने पहले ही बोला, मुझे हाँ स्टूडियो है, बहुत सारे घर पे, मेरे घर पे स्टूडियो, वो क्या मसला है, स्टूडियो आज कोई बड़ी बात नहीं है बनाने की, बट मुझे ये बोलना है, मुझे वो लोग पसंद नहीं जिनके पर घुमंड हो, और दूसरी बात मुझे लड़कियों के साथ कोई वास्ता नहीं। अब बोलोगे तुम लड़कियों के साथ क्यों? आई रेस्पेक्ट यू गर्ल भाई, मैं लड़कियों को रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे घर पे भी खुद को दो बहन है भाई, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूंगा लड़कियों को? यहां पे आपको रोकना चाहूंगा, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन हुआ जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि आप लड़कियों के साथ मुझे कुछ लेना नहीं, क्योंकि आप खुद की भी माशाल्लाह दो बहन है, तो कुछ ऐसा सीन हुआ है कुछ लाइफ में? बहुत सवाल है भाई, क्या बोलूं मैं इसके बारे में, बताइए। आप कह रहे कि हाँ लड़की आप ऐसा करते हैं, आप खुद की बहन है, लेकिन लाइफ में कुछ सीन तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप कह रहे कि मुझे लड़की की फिक्र नहीं। देखो मेरी लाइफ में एक के साथ मेरा रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत खासा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, आई डोंट नो उसकी गलती थी या मेरी गलती थी या ऊपर वाले की मर्जी से नहीं हम आगे बढ़ चले, आई डोंट नो। तो जब वो मुझसे दूर होगी ना, तो तब से लेके आज के दम तक मैं मतलब रैप, मैंने उसके लिए अपना टैलेंट भी छोड़ दिया था, रैप करता था, मैं इंटरेस्ट नहीं था रैप में, जब मैं उसके साथ बात कर नाम नहीं लेना चाहता उस लड़की का, बट दिल में जो याद है वो कैसे जलाऊंगा, ये मैंने गाना एक लिखा है, दिल में जो याद है सुना दीजिए। नहीं, इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में जा रहा हूँ, क्योंकि रैप मेरे को अब करना है। मैंने उसके लिए रैप भी छोड़ा था, बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं उसके साथ, उसकी फोटोज भी थे मेरे रूम में, अभी क्या ही बोलूं मैं, वो मुझसे बहुत जब दूर हो गई मेरी लाइफ से, तो मेरी लाइफ में चौक हो गया, मैं घर पर ही रह गया 24 घंटे, अभी भी घर पर होता हूँ, मेरी माँ नीचे है, आप इनसे पूछो मैं किधर होता हूँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ, किसी लड़की के साथ मेरा वो सीन नहीं है कि रिलेशनशिप में हूँ मैं किसी लड़की के साथ, नथिंग भाई। हाँ लड़कियों से बात करता हूँ मैं एज ए फ्रेंड, वैसी लड़कियों के साथ नहीं, हर कोई ईडीएम करता है, हर कोई वो करता है नहीं, रिलेशनशिप का सीन मेरे साथ टोटली है ही नहीं भाई, बस मेरी लाइफ में वो प्यार था, बस एक प्यार था, प्यार एक बार होता है,
दिल मेरा सोबा टूट गया, प्यार एक बार हुआ दिल सोबा टूट गया। अगर आज वो लड़की देख रही होगी तो आप उसको क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए अगर वो लड़की देख रही हो? जॉन साहब ने कहा है तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरी तनाई मैं खाऊंगी सिवा कुछ भी। अमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देख रहे थे आप हेवन मेल में लाइव ब्रॉडकास्ट एजाज अहमद के साथ। अब आए दिन जम्मू कश्मीर में क्या होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचेंगे। दीजिए अभी हमें इजाजत, बाकी वसलाम।